बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मानो। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन वाइट बिरयानी। तो चलें आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी मज़ेदार रेसिपीज फौरी मिलती रहें। तो चलें आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक देगची ले रही हूँ, उसमें मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, इस टाइम मैंने चूल्हे को बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो मैं आपको थोड़े खड़े मसाले बता दूं जो हम इसमें शामिल करेंगे। मसालों में मैंने लिए हैं दालचीनी के 2-3 टुकड़े, 3 से 4 मैंने छोटी इलायची ली है, थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल की हैं, 2 बादियान की फूलियाँ हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, थोड़े से तेज पत्ते लिए हैं मैंने 2 से 3, उनको बीच में से मैंने तोड़ लिया था। अब देखिए तेल गरम हो रहा है, अब ये सारे मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा शामिल करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको तेल में सारे खड़े मसालों को फ्राई करूँगी ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी निकले। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। अब मैंने इसमें चिकन शामिल किया है जो तकरीबन 1/2 किलो है। चिकन को अब मैं फ्राई करूंगी साबुत मसालों में 1 से 2 मिनट के लिए। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। 2 प्याजों को मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैंने इसमें शामिल किए हैं आलू बुखारे। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सॉल्ट शामिल किया है और इसको अच्छी तरीके से मैं तेज आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनूंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त थी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आप लोग भी इसकी ज़रूर भुनाई कीजिएगा। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम में तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो देखिए चिकन भी अच्छी तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें जो तकरीबन मैंने 4 अदद ली हैं, उनको मैंने लंबे साइज़ में कट किया हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जावित्री पाउडर शामिल किया है। 4 से 5 मैंने इसमें कतरे बिरयानी एसेंस के डाले हैं। और अब मैं इसको तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनूंगी। वाइट बिरयानी है तो ज़्यादा इसमें कोई मसाले नहीं हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि वाइट चावल होंगे, बिल्कुल वाइट वाइट रहेगी, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। जैसे इसका ऑयल ऊपर आएगा अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप दही। 1 कप मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है और इसको 1 से 2 मिनट तक मैं कुक करूंगी। अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर लें सारे चिकन में और इस टाइम बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर आज की रेसिपी ट्राई कीजिएगा, वाइट बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे मटन में, चिकन में भी बना सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, बस जब तक चिकन गल जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए तो फिर आगे का स्टेप हम देखेंगे। देखिए ज़बरदस्त हमारी ये चिकन जो है वो गल चुका है और मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर अच्छे से आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम जिसको मैंने थोड़ा सा फेंट के रखा था, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम के शामिल किए हैं। और अब मैं इस स्टेज पे चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी फ्राई अनियन और अब मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा धनिया और पुदीना। बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रख दूंगी मैं 10 मिनट के लिए जब तक हम चावलों को बॉयल कर लेते हैं। चलें अब हम चावलों को बॉयल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देगची ली, उसमें मैंने पानी रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट का, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है और थोड़ी सी इसमें मैंने फ्राई अनियन शामिल किए। इससे चावलों का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चावलों का पानी कितनी अच्छी तरीके से बॉयल हो रहा है और अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। तकरीबन ये 2 कप चावल हैं, बासमती राइस मैंने यह इस टाइम लिए हैं। अब मैंने इनको शामिल कर दिया है और मैं इसको कवर करके रख दूंगी। 5 से 10 मिनट के लिए हम चावलों को बॉईल करेंगे तेज़ आंच पे और चावलों को सिर्फ हम 80% तक कुक करेंगे। देखिए चावल जो हैं बॉईल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, चावल बिल्कुल परफेक्ट उबल चुके हैं और 80% तक हम इसे कुक करेंगे, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे। चलिए मैं चावलों को छान लेती हूँ।
चावल हमने छान लिए थे, अब देखिए जो मसाला हमने रेडी किया था उसमें मैं अब चावल शामिल कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से सारा मसाला नीचे है, ऊपर मैं सारे चावल डाल दूंगी जो मैंने बॉईल किए थे। अच्छे तरीके से देखिए मैं सारे बॉईल चावल इसमें शामिल कर दिए हैं और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी फ्राई अनियन। मीडियम फ्लेम में रख दूंगी मैं 10 मिनट के लिए इसको दम पे चावलों को, और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ 10 मिनट बाद कि आज की चिकन व्हाइट बिरयानी कैसी बनी है। तो देखिए आज की चिकन व्हाइट बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, दम भी कितना अच्छा सा इसमें आया है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आज की रेसिपी आप लोग मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दावतों में बनाइएगा, घर में अपने सब लोगों को खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट रेसिपी है। तो देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए आज की बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, चिकन व्हाइट बिरयानी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मुझे लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपसे नई रेसिपी में मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।